सुंदर जगह है। यहाँ घूमने में तो बहुत मजा आएगा। खुशबू अरे ये क्या है? ये मेरे समोसे कहाँ है? एक मिनट भाई, ला रहा हूँ ला रहा हूँ। ये लो समोसे। हाँ जल्दी लाओ समोसे समोसे। ओके बाय। अरे अरे नहीं मेरे समोसे। माफ कर दीजिए, मेरा ध्यान नहीं था। सॉरी सॉरी, ये सारे जमीन पर गिरकर गंदे हो गए हैं। तो फिर दूसरे बना के दो। अरे उस आदमी ने तुम्हारे सारे समोसे गिरा दिए, तो मैं क्या करूं? मुझे दूसरे बना कर दो। हमें खुशी होती आपको नए समोसे बना के देने में, बट क्या है कि समोसे का सामान खत्म हो गया। मेरे समोसे लाओ, मेरे समोसे लाओ। किधर गया वो आदमी? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं जिसने मेरे समोसे गिराए हैं। नहीं छोड़ूंगा। ओए मेरे पैर, मेरे यार, रुक जाओ, चिल्लाओ मत। मैं अभी कुछ करता हूँ यारी। क्या करोगे बड़े भैया? मुझे ये मिट्टी लगे समोसे नहीं खाने हैं। ओए मेरे पैर, मेरे यार, रुको तो। मेरे पास एक टाइम रिवर्सल गैजेट है। मैं टाइम को 15 मिनट पीछे कर देता हूँ यारी, जिससे कि सिचुएशन पहले जैसी हो जाएगी। अच्छा, क्या डॉक्टर झटका ऐसा हो सकता है? हाँ यार, अभी लो। ये रहा मेरा टाइम रिवर्सल गैजेट। अब मैं इसे 15 मिनट पीछे सेट कर देता हूँ। ये लो हो गया यारी। ये लो समोसे। अरे समोसे तो मैं पहले भी लेकर गया था। वही ऑर्डर फिर से? हाँ, ओके। अरे मुझे क्यों पकड़ रखा है? छोड़ो मुझे समोसे, मुझे छोड़ दो। समोसे? मैं खा गया। अरे क्या कर रहे थे तुम लोग? मुझे क्यों पकड़ के रखा था? अरे बाबा, तुम समोसे गिरा देते ना, इसलिए। समोसे गिरा देते? पर मैं क्यों गिरा देता? अरे हाँ, मेरी टक्कर लग के तो समोसे गिर गए थे। अरे ये सब क्या था? अरे ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, भागो। अरे भाई, आप लोग कौन हैं और आप लोगों ने ये कैसे किया? अरे ये तो हमारे बड़े भैया डॉक्टर झटका का कमाल है, आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। जल्दी से निकल लो, इसके पहले कि सभी लोग सवाल करने लगे। अरे ये कैसे हुआ? कैसे हुआ ये? चलो निकलो यहाँ से। सुनो तो। ओहो केबल कार, बड़ा मजा आएगा। अब घूमने कहाँ चले? चलो, क्या हम केबल कार में घूमने चले? चलो। आइए सर बैठिए। वाह क्या सुंदर नजारा है। वाह, अरे वाह, देखो मंकीज में भी कितनी काबिलियत होती है। केबल पर भी दौड़ जाते हैं और कितने मजे से खेल कूद सकते हैं। बड़े भैया, ऐसा कुछ कर दो कि मैं भी केबल पर दौड़ सकूं और कूद सकूं, तो मैं उन्हें जाकर बताऊंगा कि हम आदमी भी ये कर सकते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ओ मेरे प्राइमरी हेयर, मुंह खोलो। ओ मेरे प्राइमरी हेयर, जाओ। अब मंकीज वाली सारी क्वालिटीज तुम्हारे अंदर आ गई है। अब तुम केबल पर दौड़ भी सकते हो और खेल कूद भी कर सकते हो। यारी
तुम वायर काटना शुरू करो। ओके बॉस, अभी जाता हूँ। सारे बॉस। अरे ये तो बंदर नहीं है, इंसान है, और केबल कट करने की बात कर रहे हैं। इन्हें रोकना होगा। हे रुक जाओ, मैं तुम्हें केबल कट करने नहीं दूंगा। पतलू, कुछ लोग मंकीज के कॉस्ट्यूम में केबल कट करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम जल्दी कुछ करो। अरे आप क्या करें? आइडिया, डॉक्टर झटका, जल्दी से टाइम रिवर्स कीजिए। कुछ लोग मंकीज के कॉस्ट्यूम पहनकर केबल कट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जल्दी कुछ करो। क्या? अभी लो। कर दिया ऑन। अरे हम अभी तक यहीं हैं, और ये क्या, केबल अभी तक कट नहीं हुई? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हाँ, एक मोटा सा आदमी आया और हमारा प्लान फंस गया। चलो चलो केबल काटने। तुम लोग गए नहीं अभी तक? केबल कार मत चलाना, केबल कटने वाली है, केबल कार गिर जाएगी। तुम्हें कैसे पता? बाद में बताते हैं। मेरे पैर, मेरे यार, मुंह खोल के क्यों खड़े हो? जाओ जाकर केबल काटने से उनको रोको। अरे बड़े भैया, स्प्रे कौन मारेगा? मेरे पैर, मेरे यार, सॉरी सॉरी। अरे कौन लोग हैं ये? ऐसे चले जा रहे हैं केबल पर जैसे बंदर हो। ये लोग इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं। जल्दी चलो, हम हेलीकॉप्टर से जाकर सब शूट करते हैं। तो प्लान समझ गए ना? तो केबल काटोगे? नीचे कुछ हो रहा है, जल्दी से शूट करो। मोटो, संभालो अपने आप को। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन केबल काटना चाहता है और कौन किसको बचाना चाहता है? रुक जाओ। अरे अब क्या हुआ? अब मार खाने की तुम्हारी बारी। ये लो, ये लो, ये लो, केबल काटोगे? ये लो, ये लो। दोस्तों चलो, इन्हें जरा आसमान में सैर करा के आते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या हो रहा है? तुम लोगों को शर्म नहीं आती एनिमल्स के साथ ऐसा बिहेवियर करते हुए? हम तुम्हें जेल भेज देंगे। इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही आपको फोन करके बुलाया था। इन्हें अरेस्ट कर लो। अरे कहाँ खिसक के जा रहे हो? अपना असली चेहरा तो दिखाओ। हाँ, ये क्या है? ये लोग केबल वायर काटने वाले थे। अब तुम ही बता दो कि केबल वायर को क्यों काट रहे थे? वो कहना कि हमारे बॉस केबल बनाने की फैक्ट्री इन्हीं की है। अगर ये केबल हम काट देते हैं तो नया केबल लगाने का करोड़ों का ऑर्डर इन्हें ही मिलेगा, इसलिए हम ये केबल काट रहे थे। ये सब कुछ इन्होंने हमसे करवाया, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, इन्हें अरेस्ट कर लो। अब जेल में चल के नई केबल बनाना। थैंक यू मोटू जी, हमने पूरी शूटिंग की है, आज पूरी दुनिया देखेगी कि आपने किस तरह सबको बचाया। थैंक यू।
तुम्हें पता है 1952 में सरकार ने इसी व्हीकल फोर्ट को स्पेशल टूरिज्म एरिया घोषित किया था। हाँ, सही है। मेरा बेबी गुम हो गया। कोई मेरे बच्चे को ढूंढो। पता नहीं कहाँ चला गया। अरे मैडम क्या हो गया? अयो मेरा प्यारा सा बेबी, मेरा टॉम 3 साल का भी नहीं है। कौन ले गया उसे? समझ में नहीं आ रहा। प्लीज रोइए मत, मैं वादा करता हूँ मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम अभी उसे ढूंढने के लिए चलते हैं। पतलू चलो। लेकिन वो दिखता कैसा है? गोल्डन कलर का है। गोल्डन कलर? अच्छा ठीक है ठीक है। गोल्डन कलर कपड़े वाले बच्चे को ढूंढना है, चलो ढूंढते हैं। मेरा 20 साल का तजुर्बा ये बोलता है कि हम बच्चा को नहीं ढूंढ रहा है, हम जिसको ढूंढने जा रहे हैं उसे ढूंढने के बाद वो हमारा बैंड बजाएगा। ओए मेरी बेबी यार, ऐसा नहीं बोलते, ऐसा नहीं बोलते घसीटे। देखा नहीं उसकी मम्मी कितना रो रही थी। अरे लेकिन घसीट आराम तो बोल रहा है, उसे ही बोल रहा है। मेरा दिल भी यही कह रहा है कि मुसीबतों का सिलसिला शुरू होगा। अम्मा वो देखो वहां, उस बच्चे ने भी गोल्डन कलर के कपड़े पहने हुए हैं और उम्र भी करीबन 3 साल की ही है। वो आदमी उसे पकड़ कर ले जा रहा है। अरे शर्म नहीं आती, छोटे से बच्चे को किडनैप करते हो। ये लो आपका टॉम। अयो ये कौन है? ये मेरा टॉम नहीं। अयो टॉम बेबी तुम किधर हो? अगर ये टॉम नहीं है तो फिर कौन है? इसने भी तो गोल्डन कलर के कपड़े पहने हुए हैं। खैर कोई बात नहीं, शायद दूसरा कोई होगा। गलती हो गई रे। यही था वो बच्चे को किडनैप करते हुए शर्म नहीं आती? अरे बच्चे को मैंने नहीं बल्कि तुमने किडनैप किया था। ये बच्चा रो रहा था, इसे उठा के ले जा रहे थे। हाँ वो रो इसलिए रहा था क्योंकि वो आइसक्रीम खाने के लिए मचल रहा था। ये इस बच्चे के पिताजी हैं और मैं इस बच्चे के लिए आइसक्रीम लेने गई थी। तुम लोग क्या अपने आप को ज्यादा होशियार समझते हो? तुम्हारी पूरी गैंग है बच्चे किडनैप करने की। पीटो इनको। लेकिन मैंने बच्चे की मम्मी को वादा किया है कि मैं उसके बच्चे को ढूंढ कर ही दम लूंगा। चलो अरे मुझे सुनो तो। अरे ये कैसे उड़े? आप तुम साफ ध्यान से सुनो, जैसे ही मैं कहूँगा एक्शन, ये रोबोट बच्चा है ना, ये यहाँ से चल के जाएगा और कुछ गुंडा इसका पीछे भागेगा। जैसे ये रोबोट बच्चा गेट क्रॉस करके जा रहा है ना, तुम लोग दो दो करके उसको ब्लास्ट करने का। कुछ गलती नहीं होना चाहिए ना बाबा, क्योंकि ये गेट्स बनाने में 50 लाख रुपया लगा है और फिर 1 हफ्ता और लग जाएगा फिर से बनाने में। समझ गया क्या? ओके ओके सर ओके। हाँ हाँ चलो चलो। वो देखो वो रहा बच्चा, वो बहुत खतरे में है, जल्दी चलो। ये कोट कोट ये क्या हो रहा है? अरे कौन हो तुम लोग? अभी बताते हैं। ये सब कुछ बर्बाद हो गया। पकड़ो उसे, वो मेरा रोबोट लेके चला गया।
लीजिए आपका टॉम। लीजिए। अयो मुझे मेरा टॉम चाहिए ना कि कोई टॉय। अरे ये तो नकली बच्चा लगता है। अयो मेरा टॉम मेरा डॉगी है, डॉगी 2-3 साल का। क्या? उड़ी बाबा। डॉगी हाल। मैडम आप जाइए अपने डॉगी को ढूंढिए। हाँ ठीक है मैं जा रही मेरे टॉम को ढूंढने। नहीं रे। ये कौन है? आप लोगों का हो गया हो तो अब हमारा बारी है। 50 लाख का सेट का नुकसान कर दिया तुम लोगों ने, अब हम तुमको नहीं छोड़ेगा। अब जल्दी से 50 लाख रुपया अपने अपने मोबाइल से हमारा अकाउंट में ट्रांसफर करो। अकाउंट नंबर तभी से निकलने के अंदर। अयो मेरे टॉम को बचाओ, मेरे टॉम को बचाओ। अयो मेरे टॉम, मेरे टॉम को बचाओ। एनाकोंडा ने उसे लपेट लिया। एनाकोंडा कहाँ है? एनाकोंडा उधर उस झाड़ी के पीछे। चलो। अरे छोड़ो इसे, इसे पूरी दुनिया ढूंढ रही है और तुम यहाँ इससे लिपट के बैठे हो। मैं देख लूंगा। अरे देख क्या रहा है, जल्दी से सीन को शूट करो बाबा। तुमने मेरा शिकार छीना है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ, बस बहुत हुआ। अरे एनाकोंडा भैया, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, प्लीज आप मुझे खा लो, मुझे खा लो। मैंने आपका लंच छीना है, मुझे खा के अपना पेट भर लो। आइडिया बुरा नहीं है। नहीं, मेरे दोस्त को छोड़ दो, मुझे खा लो। मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, वो दूसरों की भलाई में ही लगा रहता है। आप मुझे खा लो। ओ नहीं नहीं, वो हमें खा लो। नहीं नहीं, हम बोलता है हमको खा लो। उड़ी बाबा उन्हें छोड़ के हमें खा लो। जैसे अच्छे लोगों को कैसे खा सकता हूँ? जाओ, तुम सबको छोड़ दिया, मैं अपना लंच फिर तलाश कर लूंगा। डायरेक्टर साहब, क्या आप एनाकोंडा को खाना खिला सकते हैं? उसे भूख लगी है। हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं क्यों नहीं, हम इसको पेट भर के खाना खिलाएगा। अयो मोटू पतलू जी, आप जैसे लोग मुश्किलें से मिलते हैं। थैंक यू फॉर सेविंग मी। थैंक यू मोटू। मेरा समोसा।